हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। बाबा से दुआ करती हूँ कि आप लोग अपने घर में अच्छे हों, बढ़िया हों, स्वस्थ हों। तो खाना कितनी सीटी आई गैस में? नहीं, कुकर में चार आ गए ना, हो गई होगी। तो गाइस, हमारे छोटे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आप सभी से। और तो आज हम अपनी ब्लॉग में खास तो कुछ नहीं है, पर मैं ये अपने अब वो आपको दिखाना चाहती थी, अपने तुलसी का तब प्यारा सा पेड़। कहते हैं सावन के महीने में तुलसी की हरे गाना, एक शिव जी का वो लाना था तुलसी के लिए। कहते हैं सावन के महीने में तुलसी का पेड़ घर में बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है, पर मेरे घर में तो हमेशा रहता है, हमेशा से है। और उसमें एक शिव जी का छोटा सा मूर्ति रख लेनी चाहिए। अब मैं क्या बोलते हैं गाना उसको, शिव जी का उसको को शिवलिंग रख लेने चाहिए। और जो रोज जल चलाओ तो अच्छा है, अच्छा होता है, पर मैं आप सबको राय दे रही हूँ, मैं खुद नहीं कर पाती। मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं सुबह निकल जाती हूँ 8:30 बजे, तो एक जगह 9:15 बजे आई, फिर दूसरी जगह गई, फिर दूसरी जगह से 11 बजे आई ना गाना, 10:15 बजे आई। फिर आके जिसने झाड़ू वाड़ू लगा रखा था, तो फिर पोछा ओछा लगाया, नहाया, दिया या जलाया, और क्या बोलते हैं उसके बाद। अब मैं आप सबको अपना तुलसी का पेड़ दिखाती हूँ गाइस, चलिए। बहुत अच्छा हो रहा है उसमें, पर शिवलिंग नहीं रखा है। तभी तो करी आप सब सोचेंगे कि अपना तो करती नहीं है, हमें बता रही। देखिए गाइस, इतना अच्छा हो रहा तुलसी का पेड़, इसमें बहुत सारे घर भी हो रहे हैं। मैं बहुत दिन से सफाई करूँगी सोच रही थी। ये मेरे को अच्छा है, ये घास नहीं है, सब तुलसी के पेड़ है। वो ये तुलसी के पेड़ इतने सारे जम गए इसमें, ये उखाड़ा नहीं चाहिए। हाँ, ये इसमें से बीज झड़ा होगा, ये काफ़ी पुराना पेड़ है तुलसी का, इसमें से झड़ा होगा। तो देखिए कितना अच्छा तुलसी का पेड़ हो रहा है। कहते हैं कि रोज़ रोज़ तुलसी की पूजा करो, अच्छा होता है, करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मैं भी करती हूँ, आप सबको भी करनी चाहिए। तो सावन का महीना लगाया गाइस, आप सब मंदिर भी जाकर ना, मंदिर भी जाना था, मंदिर जाने की सोच रही थी। देखिए कल जाती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर जाने वाली बात नहीं, मंदिर तो चला जाएगा कोई बात नहीं, पर मैंने प्रण लिया है कि मैं नंगे पैर मंदिर जाऊँगी, नंगे पैर जाऊँगी। इसलिए सोच सोच के जाऊँगी कि हाँ नंगे पैर जाऊँगी। खाना तो स्कूल के नहीं जा रहा है रे, ये देखो स्कूल नहीं जा रहा है। नमस्ते गाइस, हाथ जोड़ के तो नमस्ते कह रहे हैं, तो पैर छू के नमस्ते कह रहे हैं। स्कूल के नहीं जा रहा, कपड़े नहीं है। ओ, क्या कपड़े नहीं है? कपड़े के पैसे खा दिए और कपड़े नहीं है। कपड़े के पैसे खा दिए नहीं है, किसने खाए? तो गाइस, कपड़े हैं, पैंट है, पिछले साल की शर्ट इसकी इतनी छोटी हो गई। अब मैं क्या बताऊँ, इसकी शर्ट हर साल छोटी हो रही है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए अब इसके लिए शर्ट लेके आनी है, इसलिए स्कूल नहीं गया है ये। आज देखिए, आज या कल में मैं इसके लिए शर्ट लेकर आऊँगी, तब ये स्कूल जाएगा। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम एंड करते हैं ब्लॉग का, इतना ही क्या बोलूँ, हम एंड करते हैं ब्लॉग का। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, अपना प्यार ऐसी बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ गाइस, एक हाँ मेन मुद्दा तो यही था मेरा ब्लॉग बनाने का, तो मैं भूल गई थी, क्योंकि आजकल मैं इतनी टेंशन में गाइस, मैं क्या बताऊँ, मैं आप सबको खुल कर भी नहीं बता सकती हूँ, मेरा दिमाग सही नहीं है। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी गाइस, मैं आपसे कमेंट में बताइए कि मैं शॉर्ट्स डालूँ कि ब्लॉग डालूँ। तो ये गाना कहता है कि मम्मी तुम शॉर्ट्स डाल, शॉर्ट्स तेरे नहीं, ब्लॉग डाल कि ब्लॉग तेरे अच्छे होते हैं। तो गाइस, आप सब कमेंट में बताना कि आपको शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं कि ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मुझे क्या डालना चाहिए, आपकी राय है, और ज़रूर देना गाइस। अगर जिसको एक ऑप्शन और दे रही हूँ, नहीं अच्छे लगते हैं तो लाल दिल दीजिए, गंदे लगते हैं तो काला दीजिए। तो बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।